तो ये है मेरी वन ऑफ द गोल्ड फिशेस के आज से एक हफ्ते पहले का हाल, जो कि इसे बहुत बुरी तरीके से फिन रॉट हो चुका है, आप देख सकते हैं। बट द थिंग्स चेंज्ड, वन वीक के अंदर इसका ये से ये हाल होने में आपको क्या करना है, आपकी फिश को अगर ये हुआ है तो क्या करना है। एंड ये सिर्फ फिन रॉट पे काम नहीं करता, एक के ऊपर भी काम करता है। आपकी फिश को इचिंग हो रही है, अगर अमोनिया पॉइजनिंग हुई है, एंड उसके साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम के सोल्यूशन बेसिक में आपको ये ज़रूर मिलेंगे। एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो ही जाते हैं, एंड अगर उसके बाद भी एग्जिस्ट करता है तो वो एक सीरियस प्रॉब्लम है, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो, जिसके अंदर मैं आप सभी को ये मेथिलीन ब्लू सॉल्ट बाथ यानी ये नीलापन आपको बनाना कैसे, इसका प्रोसेस के साथ साथ इसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा, एंड इसे कब यूज़ करना है, कितने मात्रा में यूज़ करना है ये भी बताऊंगा। सो गाइस मेक श्योर वीडियो को आप लाइक जरूर करो, और बहुत ध्यान से देखना सब्सक्राइब करना है कि नहीं वो आप लास्ट तक देखते देखते आई होप कि आप कर दोगे मेरी बात से कन्विंस होके, क्योंकि मैं आपको जो भी बताऊंगा एकदम जेन्युइन ही बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर ले इस मेथिलीन ब्लू प्लस रॉक सॉल्ट के सॉल्ट बात की, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बनाने के प्रोसेस से पहले आपको ये जानना होगा कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं एंड कब इसे आपको यूज़ करना है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये तभी यूज़ करना है जब आपकी फिश थोड़ी बीमार आपको लगे, एंड अगर आपको इसे प्रिकॉशनरी डोज के तौर पर यूज़ करना है तो आपको इसे बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड क्वान्टिटी में देना है, लाइक आगे बताए गए क्वान्टिटी का 1/3 आपको यूज़ करना है, क्योंकि मैं जो आपको बताऊँगा वो मेडिसिनल पर्पज के लिए होगा। जब आपकी फिश रियली बीमार मारो तब आप उसे यूज करना है। लाइक आपकी कोई भी फिश को एक बेसिक प्रॉब्लम से ही वो बड़ी प्रॉब्लम बनती है, लाइक आपका अमोनिया पॉइजनिंग हो सकता है, नाइट्रेट आपके एक्वेरियम बढ़ गया हो, आपने फिश का टैंक का पानी कभी चेंज ही नहीं किया है, कभी चेंज करते हो कभी नहीं करते हो, कभी भूल जाते हो। यस गाइस प्रॉब्लम सबकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपको अपनी फिश को भी थोड़ा टाइम देना होगा। अगर आप उसे टाइम दोगे तो आपकी फिश भी लंबी जिएगी, क्योंकि हर चीज मतलब वाटर से ही जुड़ी है। आप जितना पानी साफ रख सकते हो रखो गाइस, अगर आप रात में कर रहे हो कभी भी कर रहे हो, लेकिन पानी का टेम्परेचर मैच करो, एंड उसके साथ साथ पानी का एक्वेरियम का वाटर जो है 30% या 20% जितना आपके बस में हुआ उतना प्लीज़ करो, क्योंकि वो फिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गंदगी में नहीं रह सकते तो जैसे वो भी नहीं रह सकते, उनके लिए तो और प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पानी में है तो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अगर आप ये बेसिक याद कर लेते हो तो आपके 99% ऑफ द एक्वेरियम प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्वड हैं। एंड अगर आप नहीं कर पाते हो एंड आपकी फिश सच में बीमार हो गई है, लाइक फिन रॉट उसे हो रही है मेरी फिश की तरह जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, या उसे कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, नीचे आके वो बैठ रही है, रेस्ट कर रही है, आपकी फिश मूवमेंट नहीं कर रही है, तो प्लीज़ आप मेक श्योर करो कि मेथिलीन ब्लू आपको यूज़ कैसे करना है। आपको बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में 1 से 2 चम्मच, 1 से 2 टेबल स्पून आपको एक छोटे से बकेट में, मान के रखो 1 से 2 लीटर या 5 लीटर के अंदर भी, कितना भी मतलब आप जितना कम ही रखो तो बेहतर है। जैसे मैंने यूज़ किया है, आप दूर से अप्रॉक्स लगाओ कि ये लगभग मेरे ख्याल से 5 से 6 लीटर ये होना चाहिए, एंड उसमें मैंने यूज़ किया 2 टेबल स्पून ऑफ रॉक सॉल्ट, एंड देन मेथिलीन ब्लू मैंने एक फुल कैप यूज़ किया है। हालांकि इसे हाफ आपको यूज़ करना है, क्योंकि आपकी फिश इससे यूज टू नहीं है, इससे कभी भी आदत नहीं लगाना है, एकदम बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में देना है। एंड इससे मेरी फिश बहुत अच्छे तरीके से रिकवर की है, एंड आपकी भी करेगी। इसे बहुत लिमिटेड क्वांटिटी का यूज़ करना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा ओवरडोज कर देते हैं, उसके वजह से फिश मरती है, एंड आप लोग मुझे उसके लिए ब्लेम करोगे, ऐसा नहीं होता है गाइस। बहुत ही चीज़ें आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा आप लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हो, एंड इसी में लोग गलती करते हैं। बातें ध्यान से सुनोगे आपकी फिशेस जिंदा रहेंगी, एंड मेक श्योर आप करना कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब आप नहीं करते हो उसके ऐसे बातें जल्दी जल्दी में सुनते हो, तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत करता हूँ गाइज आपके लिए, लेकिन आप लोग अगर थोड़ी भी इज्जत करते हो मेरी मेहनत के लिए तो प्लीज़ मेक श्योर करो यार, सब्सक्राइब कर दो भाई का चैनल, अभी नया नया आया है। एंड अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर आप अपना पुट करना, क्योंकि मैं आपका हर एक कमेंट पढ़ता हूँ एंड रिप्लाई भी देने का फुल कोशिश करूँगा। सो यस प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आपको फ्यूचर में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट इस चैनल पर मिलने वाले हैं। एंड जैसा कि मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा था, प्रिकॉशनरी डोज के तौर पर आपको अगर यूज़ करना ही है, अगर आपकी फिश को अभी आपको देना ही है, तो इसका 1/3 क्वांटिटी यूज़ करो। जहाँ मैंने 2 टेबल स्पून यूज़ किया है, 1 का यूज़ करो, 50% हुआ, आप 1 टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हो मैक्स टू मैक्स। एंड मेथिलीन ब्लू आपको हाफ कैप ही यूज़ करना है, एंड मेथिलीन ब्लू का आपका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा पिंट कमेंट, एंड वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि मैं जो यूज़ करता हूँ एक्वेटिक रेमेडीज़ का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, एंड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा इसके बेस्ट रिव्यूज़ आए हैं, तो मेक श्योर आप करना कि आप वहीं से मंगाओ, एंड जेन्युइन लिंक है, आपके भाई ने दिया है तो भाई एकदम रियल है, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, गुड बाय, टेक केयर।